Hello children, I am Pratibha, your math teacher. Welcome to grade 1. Now we are going to learn about the first chapter of your math book and that is comparison. ये chapter हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप दो चीजों को compare करना सीख सकें. The objective of this chapter are first, list the various comparison words and second, give example using the comparison words. हम दो चीज़ों को कंपेयर क्यों करते हैं जब दो ऑब्जेक्ट सेम साइज लेंथ के नहीं होते इसलिए हम उन्हें कंपेयर करते हैं लेट्स कंपेयर ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज जब दो ऑब्जेक्ट का साइज अलग होगा तो एक ऑब्जेक्ट बिग होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा जैसे कि इस पिक्चर में एप्पल का साइज क्या है बिग तो एप्पल क्या है बिग और चेरीज का साइज क्या है स्मॉल तो चेरीज क्या है स्मॉल लेट्स कम टू अदर कंसेप्ट बिगर एंड स्मॉल जब दो ऑब्जेक्ट्स का साइज अलग अलग होता है तो वन ऑब्जेक्ट क्या होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से बिगर होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके कंपैरिजन में स्मॉलर होता है यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टू अम्ब्रेलास रेड वन इज बिगर इन साइज सो इट इज बिगर देन येलो वन एंड येलो वन इज स्मॉलर इन साइज सो इट इज स्मॉलर देन रेड वन लेट्स कम टू द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक इन दिस पेज व्हाट वी हैव टू डू जो ऑब्जेक्ट बिगर है साइज में उसमें बी मार्क करना है और जो स्मॉलर है उसमें एस मार्क करना है यू कैन सी द पिक्चर ऑफ केक फर्स्ट केक इज बिगर देन द सेकेंड वन एंड सेकेंड केक इज स्मॉलर देन द फर्स्ट वन ओके कम टू द नेक्स्ट पिक्चर ट्रक इज बिगर देन द कार नाउ सो वी मार्क बी देयर एंड कार इज स्मॉलर सो वी मार्क एस देयर कम टू द नेक्स्ट पिक्चर एलिफेंट इज बिगर इन साइज राइट और रैट इज बिगर नो एलिफेंट इज बिगर इन साइज कम टू द नेक्स्ट पिक्चर Hippopotamus is bigger in size, so mark B there. Okay, in next picture, horse is bigger, right? And deer is smaller. In next picture, second balloon is bigger than the first one. Okay, in next picture, which fish is bigger? Second one and first one is smaller than second one. Aur last ke two questions, aap log apne aap homework mein karenge. Okay, come to the other concept, that is biggest and smallest. जब ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे तो जो सबसे बिग ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा बिगेस्ट इन साइज और जो सबसे स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा स्मॉलेस्ट इन साइज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ थ्री बुक्स एंड दे आर ऑफ अनइक्वल साइजेस सबके साइज क्या है डिफरेंट है ओके सबसे बड़ी बुक कौन सी है ग्रीन वन राइट सो इट इज बिगेस्ट इन साइज और सबसे स्मॉल कौन सी है येलो वन सो इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज Okay, come to the next page of your book. Look at the first picture and see the image of four balloons. कौन सा balloon सबसे big है size में? Third one ना? So it is biggest. और कौन सा balloon सबसे small है size में? First one. So it is smallest. Okay, come to the next set of picture. What we have to do? Color yellow the biggest object. Which one is biggest in size? Camel, right? Camel is biggest in size. So हमें इसमें कौन सा color करना है? Yellow color करना है. नेक्स्ट पिक्चर में सबसे बड़ा कौन सा ऑब्जेक्ट है लास्ट पैक राइट उसे भी हमें कौन सा कलर करना है येलो कलर करना है ओके कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कलर रेड द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसको रेड कलर करना है कौन सी बर्ड सबसे स्मॉलेस्ट साइज में थर्ड वन ना तो उसे हमें रेड कलर करना है और सबसे छोटा कप कौन सा है फर्स्ट वन तो उसको भी हमें कौन सा कलर करना है रेड कलर करना ओके कम टू द अदर कॉन्सेप्ट टॉलर एंड शॉर्टर जो ऑब्जेक्ट लेंथ में टॉल होगा दैट ऑब्जेक्ट इज टॉलर देन द अदर ऑब्जेक्ट और जो स्मॉलर होगा दैट ऑब्जेक्ट इज शॉर्टर देन द अदर ऑब्जेक्ट लुक एट द पिक्चर हॉर्स की हाइट छोटी है जिराफ से सो ही इज शॉर्टर देन जिराफ और जिराफ की हाइट बड़ी है हॉर्स से सो ही इज टॉलर देन हॉर्स इट इज़ वेरी ईजी राइट ओके कम टू द नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक वॉट वी हैव टू डू इन दिस पेज ओके लुक एट द फर्स्ट पिक्चर Compare the length of the two ship. Which one is taller? First one, na? And which one is shorter? Second one. Okay, come to the question. What we have to do? Jo bhi object taller hai, usme hume T mark karna hai. Aur jo bhi shorter hai, usme S mark karna hai. First picture, first building is taller than the other one. And second building is shorter than the first building. In second picture, second tree is taller. So mark S in first and T in second. In third picture, camel is taller and other one is shorter. In next picture, second one is taller and first one is shorter. Again in next picture,
Second one is taller. In next picture, man is taller than girl. So mark S in front of girl and T in front of man. In next, first one is taller. And in next, second cake is taller than the first one. Okay, come to the another concept, that is tallest and shortest. When we compare different objects according to their heights. So, जो सबसे tall object होगा, वो tallest होगा. और जो सबसे short object होगा, वो shortest होगा. Okay, look at the picture. You can see the picture of three ladders. They are of unequal height. Which ladder is tallest? Yellow ladder? No. Blue? No. Red one? Yes. Red one is the tallest ladder. Okay, which one is shortest? Blue one? So, blue one is the shortest ladder. Okay, come to the next page. We have to do in this page, we have to write T for the tallest and S for the shortest. Look at the first picture. You can see the picture of three girls. Which one is tallest? First one, second one or third one? I think second one is tallest. And which one is shortest? First one is shortest. So mark T for second and S for first. Okay, in next picture, first flag is tallest, so mark T, and second flag is shortest, so mark S. In next picture, second tree is tallest and third tree is shortest. Okay, in next picture, middle one is tallest and goat is shortest. It is very easy. Let's learn another concept. The other concept is all about thicker and thinner objects. जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हैं तो जो सबसे थिक होता है यानी जब जो सबसे मोटा होता है वो थिकर होता है और जो थिन होता है वो थिनर होता है. लुक एट द पिक्चर. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टू बुक्स. ओके, विच बुक इज थिकर? रेड बुक इज थिक देन ग्रीन बुक. सो वी कैन से दैट रेड बुक इज थिकर देन ग्रीन बुक और ग्रीन बुक इज थिनेस्ट देन रेड बुक. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. वॉट वी हैव टू डू इन दिस पेज, we have to mark capital T for the thicker object and small t for the thinnest object. Look at the first picture. You can see that burger is thicker than the other picture. In next picture, first book is thicker and second one is thinner. Okay. In next picture, which candle is thicker? Second one, right? So mark capital T in second picture and small t in first one. In next picture, kaun si wali picture thicker hai? First wali na, so mark capital T there. In next picture, teddy bear is thicker and bird is thinner. Okay. In next picture, bag is thicker than book. Am I right or not? Yes, bag is thicker. In next, first one is thicker. In next, drum is thicker than hammer. And in last one, second box is thicker than first one. Okay, let's learn one more concept. Thickest and thinnest. जब हम different objects को उनकी thickness के basis पे compare करते हैं तो जो सबसे मोटा object होता है वो thickest होता है और जो सबसे पतला object होता है वो thinnest होता है. Look at this picture. You can see the picture of three books. सबसे thick book कौन सी है? Green वाली ना. So green book is the thickest among the three books. And कौन सी book सबसे thin है? Black वाली? Green वाली? No, last one. So, the last one is thinnest among the three books. Come to the next page. What we have to do in this page? Hume capital T mark karna hai thickest object ke liye and small t mark karna hai thinnest object ke liye. Okay. In first picture, sabse thickest kaun si lady finger hai? Second wali na. Aur sabse thinnest patli lady finger kaun si hai? Last wali. Okay. In next picture, which bow is thickest? Second one. No. Third one is thickest. And first one is thinnest. In next picture, first nail is thickest. Am I right or not? Yes. First nail is thickest and second one is thinnest. In next picture, first bread is thickest and second one is thinnest. Okay. In last picture, second glass is thickest and first one is thinnest. I think आपको सारे concepts बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. हमने इस वीडियो में ऑब्जेक्ट को different different तरीके से compare करना सीखा. हमने इस वीडियो में सीखा कौन सा ऑब्जेक्ट बिग है, कौन सा स्मॉल है, कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा टॉलर है, कौन सा शॉर्टर है, कौन सा टॉलेस्ट है, कौन सा शॉर्टेस्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट थिकर है और कौन सा ऑब्जेक्ट थिनर है, कौन सा ऑब्जेक्ट थिकेस्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट थिनेस्ट है.
Okay, my dear students, it is enough for today. We continue this chapter in next video. Have a good day.